प्रणाम सर। खुश रहो, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? प्रणाम सर। खुश रहो। जी सर, आवाज आ रही है। जी सर, आ रही। प्रणाम सर। खुश रहो। क्या टॉपिक है? सर, हिक्स का वेलफेयर मॉडल, हिक्स क्या का सर वेलफेयर मॉडल, वेलफेयर हिक्स कसौटी हिक्स। का वेलफेयर कसौटी? जी सर, और क्या है? मॉडल क्या नाम दिया है? पूरा पढ़ो तो। सर, मॉडर्न वेलफेयर क्रिटेरिया, हिक्स एंड सिटोवस्की। पहला नाम क्या बोली? हिक्स हिक्स अरे, हिक्स के पहले क्या शब्द बोली हो? हिक्स के पहले सर ये मॉडर्न वेलफेयर क्रिटेरिया। मॉडर्न वेलफेयर क्राइटेरिया, जी सर। हिक्स एंड सिटोवस्की लिखा हुआ है? जी सर। कार्डोर नहीं लिखा है? कार्डोर नहीं सर, कार्डोर वाला हो गया है। कार्डोर पढ़ ली हो? का, जी सर। हाँ कार्डोर का नहीं तो सर, वो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी था, वो पढ़ लिए हैं। रिकार्डो कार्डोर का। हाँ कालडोर हम लोग को इसमें नहीं है, वेलफेयर में वितरण वो का अलग। सिद्धांत में है। जी सर।
सोनी जी सर, सरकार जो सड़क रेलवे लाइन हवाई अड्डा जो करती है, अच्छी बात है कि खराब? अच्छी बात है कि खराब है? अच्छी बात है सर, किसान खूब खुश होगा सर। किसान को इसके बदले मुआवजा देती है सरकार? मुआवजा देने से सुसंतुष्ट हो जाएगा वो? अरे वो खुद देना चाहता तब आप मुआवजा देते। वो कहेगा नहीं, हमारे बाप दादा का जमीन है, यही हमारे जीवन का है, हम नहीं देंगे। तो खुशी खुशी कोई जमीन अपना देना चाहता है कि नहीं चाहता है? नहीं देगा सर। है तुम्हारा मकान पड़ रहा है उस रोड के बीच में, और कहेगा कि चार तल्ला मकान है, इसको तोड़वा? खुशी से नहीं देगा सर। है जी सर, खुशी से नहीं देगा सर किसान। तो आप कहता है अर्थशास्त्री कि जमीन किसान का लेकर के आप आर्थिक विकास कर दीजिएगा, देश विकसित हो जाएगा, तो इससे कल्याण में वृद्धि होगी। इस सिद्धांत को देने वाले अर्थशास्त्री जो हैं, कार्लडोर है, उसके बाद हिक्स है, उसका सिडोवस्की है जी सर। लेकिन इन तीनों के पहले थे परेटो। परेटो का कहना था कि किसान की जमीन लेके अगर आप सड़क बना रहे हैं जी, तो किसान को किसी तरह का कोई दुख नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा भी दुख हो गया
तो ये प्रोजेक्ट को कैंसिल कीजिए। समाज में हर आदमी जमीन देने में यस कहेगा कि उसको कुछ निकलेगा अगर हम न देंगे। हर आदमी जो है खुशी खुशी जमीन नहीं देगा, तो कोई दुखी हो जाएगा, कोई सुखी हो जाएगा। तो परेटो कहते थे कि इस तरह का कल्याण नहीं चाहिए, इससे कल्याण घट जाएगा। परेटो कहते हैं कि एक भी व्यक्ति अगर दुखी हो गया तो उस प्रोजेक्ट को आपको नहीं करना है। और सोचिए कि 10,000 गांव जो है वो डैम में घुस जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डैम का जो जगह है वह 10,000 गांव पहले था। और उस गांव से उसको हटा के कहीं दूर भगाया, सेटल किया, और तब पूरा का पूरा जगह जो है पानी से भर दिया, तो डैम तैयार हो गया। पानी वहां जमा किया, पानी छोड़ा तो बिजली निकला, पानी छोड़ा तो कृषि का काम हुआ, डैम में पानी है भरा हुआ तो नाव चलाया तो लोग उसमें घूमा, भ्रमण किया, बहुत अच्छा उसको लगा घूमने में। पटना में भी है, पार्क है, पानी में नाव चलाने का वहां बनाए हुआ है। तो डैम तो और विशाल काय हो, अभी डैम से पानी ऊपर से छलक के गिरना शुरू हुआ है, आधा भारत में पानी पानी हो गया। अब अर्थशास्त्री कह रहा है कि सब जगह अगर आप 10 तल्ला 20 तल्ला का फ्लैट बना के भर दीजिएगा तो पानी का जाने का रास्ता तो बंद हो गया, तो पानी वहां से चलेगा और मोहल्ला में पानी घुस जाएगा। बेंगलोर ऐसे जगह को देखिएगा, हाईटेक सिटी है और देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आज वहां हर मकान में पानी घुसा हुआ, ग्राउंड फ्लोर डूब गया। यही हाल अन्य राज्य में भी यही हाल हो रहा है। तो कहता है कि कल्याण जो आप कह रहे हैं, कल्याण कसौटी, परेटो क्या कहे कि एक भी व्यक्ति को दुख नहीं होना चाहिए जमीन लेने पर, तब आप वहां सड़क बनाइए, अस्पताल बनाइए, रेलवे लाइन लगाइए, हवाई अड्डा बनाइए। लेकिन रिसर्च करके देखा गया कि हर जगह रावण है तो विभीषण भी है, कोई ना कोई ऐसा निकल जाएगा कहेगा कि नहीं हम जमीन नहीं देंगे, बीच का नहीं देंगे। आप सोचे इधर वाला तैयार हो जाता है, बीचे वाला तैयार नहीं है, कहां से वो नेशनल हाईवे बनेगा उस पर। ऐसा कई उदाहरण आया है कि जमीन हम नहीं देंगे, जबरदस्ती जमीन ले लिए तो नेशनल हाईवे पर ही केला का पेड़ लगा दिया अपने जमीन पर, और जमीन तो सरकार का हो गया है, कहा नहीं मेरा जमीन है, सरकार का पैसा हम नहीं लिए। तो बहुत मनोबल करने का, तब केला का पेड़ हटाया, वो पैसा लिया आ गया। तो कहता है, परेटो कहता है कि किसी भी तरह का आप जो कल्याण करना चाहते हैं तो उसमें देखिए कि आपके इसे करने से एक भी व्यक्ति को कष्ट नहीं हो। अब नोएडा में कितना क्या गिराया गया है,
बम लगा के टावर गिराया। कौन टावर है याद नहीं आ रहा, टावर ट्विन टावर नाम था, ट्विन टावर। हाँ ट्विन टावर जनरल नॉलेज का चीज है। टावर गिरा दिया जी सर। कितना करोड़ों रुपया अरबों रुपया उसमें लगा हुआ है। बिल्डर जो है उसी को उसका खर्च देना है। अब पता नहीं जिसका टावर में बिल्डिंग टूटा है उसका पैसा कौन देगा, वापस वही बिल्डर करेगा। तो एक ही मामूली दो गो टावर है तब ये हाल है। पूरे भारत में जितना रेलवे लाइन है वो किसान का जमीन था, आज जबरदस्ती उससे कौन छीना, अंग्रेज 1853 में 54 में 56 में। ये सब देखोगी रेल का विकास जब हो रहा था तो उसका जो रेल का विकास कर रहा था वो सब था ब्रिटिश बिजनेसमैन। अब यहाँ देश में था ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट कही कि नहीं तुमको जमीन देना है, और वो जमीन बहुत ही कम दाम पर उस सारे जमीन को खरीद लिया, और अंग्रेज का राज था, कोई बोल नहीं सकता था, बोलता तो उसको गोली से मार देता, दो चार को मारा बस सब डरे जमीन दे दिया। पूरे भारत वर्ष में रेलवे लाइन बिछ गया। और अभी देखिए कि बुलेट ट्रेन बनाने का हो रहा था, किसान कहा कि हम जमीन नहीं देंगे। बहुत मान मनोवल हुआ है, पता नहीं अभी कहां तक सिस्टम पहुंचा है, लेकिन चूंकि मुंबई से कहां तक अब प्लान है, अहमदाबाद, मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का प्लान बनाया हुआ है, तब ये दिक्कत है। अब पूरे भारत वर्ष में रेलवे लाइन बिछा तो कौन सा कल्याण कसौटी लगाया, अंडर फोर्स खरीद लिया एकदम कम दाम पर। अभी भी रेलवे लाइन के दोनों साइड में जमीन रेल का है। भारत वर्ष में सबसे ज्यादा संपत्ति किसको है, तो नंबर वन है रेलवे, नंबर टू है डिफेंस, और नंबर थ्री है वक्फ बोर्ड, मुसलमान सबका है वक्फ बोर्ड। ये सोचो संपत्ति में यही तीन है, नंबर वन टू थ्री। सर वक्फ बोर्ड क्या होता है सर? वो मुस्लिम सब के प्रोटेक्शन के लिए एक बनाई, इंदिरा गांधी के जमाने में, कांग्रेस पार्टी के जमाने में बनाया गया कि संस्था कि जहां कहेगी कि मेरा जमीन है तो उसी का जमीन हो जाएगा, भले वो जमीन किसी किसान का हो किसी अन्य इंडियन का हो, या नहीं वो कह दिया तो उसी का हो गया। अब वक्फ बोर्ड जो है उसका चेयरमैन जो है उसको पावर जो है बहुत ज्यादा दिए हुआ है, वो डीएम को ऑर्डर करेगा कि जमीन खाली करवाओ। तो कई गांव ऐसा है कि पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड के अंदर है, और उसमें एक मंदिर भी है जो वक्फ बोर्ड के अंदर में है। मंदिर की स्थापना हुई है 1300 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, बहुत पुराना मंदिर है। आ न्यूज में बोल रहा था कि इस्लाम का जन्म कितना हुआ था, 1200 वर्ष में, 1200 वर्ष और 3000 वर्ष पहले का मंदिर है, वो भी मंदिर वक्फ बोर्ड में। दिल्ली में बहुत सारा सरकारी ऑफिस है सब वक्फ बोर्ड में। तो इसी को कहा जाता है तुष्टिकरण। अरे करना था तो मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था, हिंदू था, सबके दृष्टिकोण से आप करते, इस तरह का पावर आप क्यों दे दिए। तब फिर कोर्ट, कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, कोर्ट से ऊपर हो गया। इसमें बहुत बहस चल रहा है क्या होना चाहिए, क्या होगा भविष्य बताएगा। हमारा कहना यहाँ केवल यही है कि किसी का भी जमीन आप लीजिएगा तो वो खुश नहीं होगा,
खुश नहीं होगा, खुशी से देगा नहीं, तब तो ना तो कहीं नेशनल हाईवे बनेगा, ना तो कहीं रेलवे लाइन बिछेगा, ना तो हवाई अड्डा बनेगा, ना कहीं अस्पताल बनेगा, कोई भी बड़ा काम हो नहीं। कोई फैक्ट्री खोला है अडानी अंबानी का, आप देखिएगा हजारों हजार एकड़ में फैक्ट्री खोला हुआ है, तो फैक्ट्री नहीं खुलेगा। तो पारेटो का जो सिद्धांत था वेलफेयर का, कल्याण का, पारेटो का जो सिद्धांत था, उसमें कहा कि अगर आप के देश में ए और बी दो व्यक्ति है, ए से कोई चीज बी ले रहा है या बी से ए ले रहा है, तो इसमें किसी को भी कोई क्षति नहीं, तब उस काम को कर सकता है। अगर एक भी व्यक्ति को क्षति हो रहा है तो यह काम को नहीं करना है। तो बहुत दिन तक ले इस बात को लोग माना कि पारेटो कह रहे हैं, बाद में जो अर्थशास्त्री आए वो कहे कि पारेटो जो कह रहे हैं वो सर्वोत्तम है, इष्टतम है, लेकिन रियलिटी में इष्टतम तक प्राप्त होना मुश्किल है बिना एक से लेके दूसरे को दिए हुए। तो वितरण जो है, साधनों का वितरण जो आप कर रहे हैं, उस वितरण से कल्याण में वृद्धि हो जाए। ए और बी दो आदमी है तो दोनों का यूटिलिटी बढ़ जाए, किसी को लॉस नहीं हो, दोनों का यूटिलिटी बढ़ जाए, तब पारेटो कहते हैं कि उस तरह का परिवर्तन आप कीजिए और विकास बनाइए। कार्लो और हिक्स आए कहेंगे तब तो विकास ही नहीं होगा। सब जो है रावण के पक्ष में रहता तो रामचंद्र जी उसको मार पाते नहीं सर। कौन आदमी उसके पक्ष में नहीं था जो राम से मिल गया जाके? उसका अपना भाई, अपना भाई भी सर, जो उसके सारे कमी को जानता था, उसके सारे भीतरी बात को जानता था। अब सच्चाई क्या है, हम लोग तो सीरियल में ही देखते हैं ना। सच्चाई है कि बिना ऐसे किए हुए वो मारा नहीं जाता। हनुमान जी पहुंच गए थे श्रीलंका, जानती हो कि नहीं? जी सर। उड़ के चले गए थे, सीता माता को ऑफर दिए कि आप मेरे पीठ पर खड़ा हो जाइए, हम लेके उड़ जाते हैं और उड़ के हम पहुंचा देते हैं राम जी के पास। सीता माता रिफ्यूज कर दी, कहीं कि रावण हमको जबरदस्ती पकड़ के लाया, हमारा शरीर स्पर्श कर लिया, वो पकड़ लिया, हम मजबूर थे, लेकिन अभी मजबूर नहीं है, इसलिए हम दूसरे व्यक्ति के शरीर पर चढ़ करके हम नहीं जाएंगे। रामचंद्र जी खुद आवेंगे और रावण को पनिशमेंट देंगे और उसके बाद हमको वो ले जाएंगे। अब ये सब धार्मिक बात है, लेकिन अर्थशास्त्र में भी इस तरह का बात नजर आ रहा है। परेटो कहते हैं कि जमीन लोगे तो लो, लेकिन जमीन देने वाले में कोई एक भी व्यक्ति अगर लूजर हो गया तो ये काम को नहीं आपको करना है, ये वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं होगा, ये कल्याण वृद्धि करने वाला नहीं होगा बल्कि कल्याण घटाने वाला होगा। कार्डो राय और उसके बाद फिर हिक्स भी आए, ये कहे कि दो व्यक्ति अगर है ए और बी,
ए से हम कोई चीज लेकर के बी के पास लाते हैं, तो बी हो गया जनता, ए हो गया वो खास आदमी, तो उसके बदले में हम उसको क्षतिपूर्ति करेंगे। कैश देंगे, जगह मांगेगा तो दूसरे जगह जगह भी दे सकते हैं, मकान टूट रहा है तो दूसरे जगह मकान दे सकते हैं। तब अगर वो हाँ कह देता है तब मकान को तोड़वा दीजिए, नेशनल हाईवे बना दीजिए, और उस व्यक्ति को जहां आप कहे जमीन देने का दे दीजिए, मकान चाह रहा है तो बना दीजिए। आजकल देखते हैं कि रोड बना रहा है, बीच में कोई मंदिर पड़ गया, तो मंदिर को वही मंदिर था शनिचरा मंदिर, माने शनि भगवान का, तो हम सोचते थे गंगा ब्रिज बन रहा था कि उसको क्या करेगा, देखे कि उसको हूबहू वैसा ही एक मंदिर थोड़ा दूर हट करके बना दिया, आ इसको डिसमेंटल कर दिया, इनका जो मूर्ति है वहां बैठा दी, मंदिर पीछे चल गया। अभी अलग बात है कि बात मस्जिद पर कीजिएगा तो मारकाट हो जाएगा, ये हो जाएगा वो जाएगा, हिंदू तो दे दिया, लेकिन ऐसा कहता है कि पाकिस्तान में या कई मुस्लिम देश में मस्जिद को हटा दिया और नेशनल हाईवे का रोड बनाया, कई कंपनसेशन प्रिंसिपल उसको दूसरे जगह बना दिए। तो कार्डोर कहते हैं कि दोनों से पूछ लीजिए, ए और बी दोनों है, तो ए पेमेंट कर दे बी को और बी संतुष्ट हो जाए, तब उस जमीन पर नेशनल हाईवे बना सकते हैं, सड़क बना सकते हैं, रेलवे लाइन लगा सकते हैं, हवाई अड्डा कर सकते हैं, बृहद उद्योग लगा सकते हैं, लेकिन आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट लेकर के वो अपने आप को फुल सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो इस विधि को क्या कहा जाएगा, कार्डोर, कार्डोर वेलफेयर प्रिंसिपल। और उसके बाद हिक्स को नोबेल प्राइज मिला। हिक्स ने कहा कि हम हमारा मॉडल है कि ए और बी दो है, इसको एक उदाहरण से तुम बताते हैं, पटना में जो गंगा नदी है उसके ऊपर गंगा ब्रिज बना सकते, अभी भी है ब्रिज, अब और भी मॉडर्नाइज ब्रिज बन गया है, तो गंगा ब्रिज पहले बनवाई इंदिरा गांधी, सिंपल ब्रिज था, उसके ऊपर कोई लोहा हुआ नहीं था, अभी तो करोड़ों रुपए का लोहा पिला दिए हुआ है, लोहा का ही बनाया है, सड़क नीचे है और उसके ऊपर लोहा है जो नीचे के लोड को ऊपर खींचता है, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे इंजीनियर हैं तो वो समझ बूझ के उसको बनवाए, पैसा पूरा लगा है लेकिन दोनों लेन चल रहा है। तो कहता है हिक्स कि इस तरह का केस तुमको बताए बिहार पर, और बिहार में क्या था कि पूंजीपति एक था जिसका कि 10-20 को पानी का जहाज था, तो पटना में महेंद्रू एक जगह है उसके गंगा नदी के किनारे, अब्बास घाट के एक है, तो सामान लादने वाला जो जहाज था वो बांस घाट में लगता था और आदमी के चढ़ने वाला महेंद्रू में चढ़ता, और कोई भी व्यक्ति नॉर्थ बिहार से अगर आता था पटना तो ट्रेन से आता था पहलेजा तक, और पहलेजा में फिर बना हुआ है जहाज का जगह, वहां जहाज पर चढ़ता था, जहाज से पटना महेंद्रू में उतरता था, महेंद्रू उतर गए अशोक राजपथ पर आ गए, ये वर्षों से ही चल रहा था। तो इंदिरा गांधी कहीं कैसे आजकल जाके भाषण देता है कि हम ये बना दे, तो उस समय हमको अभी भी याद है कि उद्घाटन के लिए आई थी तो
प्रियंका का जन्म हुआ था तो तुरंत लोग लौट गए जल्दी हॉस्पिटल में। तो कहता है कि इंदिरा गांधी आई तो कहीं कि हम गंगा पर पुल बना देंगे। अब जो ये 8 गो 10 गो 15 गो जहाज इसका था उसका एक ही मालिक था, वो खुश होगा कि दुखी होगा, क्या होगा रिचा? दुखी होगा। सोनी जी सर दुखी होगा। क्यों दुखी होगा सर? पुल बनने से उसके जहाज का उपयोग कम करेंगे, कहीं यूज ज्यादा करेंगे सर। अब कहता है लोग कि वो जो पूंजीपति था वो किसी तरह से मैनेज कर लिया जो बना रहा था पुल उसको, वो कहा कि पुल आप बनाइए लेकिन स्पीड जो है स्लो कर दीजिए, यही कुछ दिन खींचा जाएगा। तो 14 साल लग गया वो पुल को बनने में, जहाज चलिए रहा है। अंत में वहां से इंदिरा गांधी कही कि हम उद्घाटन करने आएंगे इतना तारीख को। अब तो घबरा गया जो बनाने वाला था, तो जल्दी जल्दी करके एक लेन तैयार कर दिया और आके उद्घाटन की, तो एक लेन शुरू हो गया। एक लेन शुरू हो गया इतना भी काफी था, नॉर्थ बिहार साउथ बिहार जुट गया। आज जितना पानी वाला जहाज है वो गायब हो गया, कहीं चल गया भागलपुर या कहीं और जगह, उसका कलकत्ता जहाज भी सारा का सारा जहाज वो चला गया। अभी देख रहे हैं हाल में कुछ दिन पहले बाढ़ में देखे हैं कि लकड़ी का नाव है ना, बड़ा सा नाव है, उस पर जीप रखा हुआ है। अब राघोपुर क्षेत्र है जहां से एमएलए लोग बनता है, वहां पटना से राघोपुर जाता है नाव, और उसमें मोटरसाइकिल जीप कार सिंपल नाव है, उसी को ऊपर तख्ता रख के चढ़ा के ले जाता है। लेकिन वो जहाज गायब हो गया, जो 8 गो 10 गो जहाज था जो जाता था आता था जाता था, तो सब गायब हो गया। और अब तो और हो गया कि एक और पुल बन गया जिसमें रेलगाड़ी भी जाता है और बस भी जाता है। तो पटना से रेल डायरेक्ट अब चला गया सोनपुर हाजीपुर पर मुजफ्फरपुर नॉर्थ बिहार में जहां चले जाइए पुल। कैलडोर का कहना था कि ए और बी दोनों है, अगर मान लीजिए कि ए जो है वो गेनर है और बी जो है वो लूजर है, तो लूजर है उसको गेनर जो है, कैलडोर का कहना है कि गेनर जो है वो देगा पेमेंट बी को, बी देगा बी है लूजर और ए है गेनर, तो ए पेमेंट कर देगा बी को, अब बी हो गया हैप्पी कि ठीक है जमीन दे दिया अस्पताल बन गया। तो इसको कहा जाएगा कार्लोर वेलफेयर प्रिंसिपल, कार्लोर वेलफेयर प्रिंसिपल, क्षतिपूर्ति कर दिया तो क्षतिपूरक सिद्धांत भी हुआ। हिक्स क्या कहते हैं? हिक्स कहते हैं कि ए जो है वो गेनर है और बी क्या है लूजर है, तो ए जो है बी को पेमेंट किया
पेमेंट करने वाला है क्षतिपूर्ति के लिए। अब बी जो है ए को घूस दे कि आप मत कीजिए, आ कहीं ए मान गया कि ठीक है ना करेंगे तो वेलफेयर होगा ही नहीं, अटका रहेगा। जैसे हम जो उदाहरण आपको पटना का दिए तो 8x10 उसका जहाज था, वो पुल बनाने वाले को खुश करने के लिए पेमेंट करता है हर महीने, जितना ले लीजिए आप सोलो कीजिए, तो 14 साल पुल बनाने में लग गया। अगर वो घूस नहीं देता या पेमेंट नहीं करता तुरंत करता तो बहुत रात दिन काम करके 2 साल में भी पुल तैयार कर सकता है, 3 साल में कर सकता है, 14 साल ले लिया तो 14 साल क्यों ले लिया? तो हिक्स वाला क्राइटेरिया था कि ए जो है क्षतिपूर्ति रुपया देना चाहता है बी को, और बी जो है वो ब्राइब के रूप में देना चाहता है ए को कि काम मत कीजिए अभी रोके रखिए। तो इससे क्या होगा कि लाख प्रयत्न आप कीजिएगा, ए कह रहा है कर रहे हैं ना, लेकिन वो कर नहीं रहा है, स्लो कर रहा है, कुछ कर रहा है। पेमेंट कौन कर रहा है? ए को कौन पेमेंट कर रहा है? बी कर रहा है। लूजर पेज ब्राइब टू गेनर, जी सर, तुम ले लो भाई या छोड़ दो। अब लूजर जो होता है वो टीचर्स का परीक्षा दिया और उसको रिटेन में नहीं हुआ, तब वो क्या दे दिया? जो नौकरी देने वाला था उसको क्या दे दिया? घूस दे दिया। इतना दे दिया कि रूम भरा हुआ नोट से, आज जो लिस्ट बना तो सब जो रिटेन में नहीं था उसका नाम आ गया वो ज्वाइन कर लिया, आज जिसका रिटेन में नाम था उसको ज्वाइनिंग नहीं हुआ। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहे हैं, अभी केस चल रहा है, यही बात उसके भीतर में है, जो जैसा कि टीवी में बतलाता है आलोचक। तो गेनर और लूजर दोनों में कौन चालाक है? अगर लूजर चालाक है तो काम को होने ही नहीं देगा। और जो काम करने के लिए आ रहा है उसी को कुछ इस तरह का दे दिया कि फिर लौट गया। तो हिक्स का क्राइटेरिया हो गया, कार्लडोर का क्राइटेरिया क्या हो गया कि गेनर लूजर को देगा, जी सर, लूजर संतुष्ट हो गया तो जमीन सरकार को मिल जाएगी, वो रोड बना देगा, उदाहरण के लिए बता रहे हैं, रोड बना देगा या अस्पताल खोल देगा या यूनिवर्सिटी खोल देगा। अभी पटना में एक पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, उसका देखिए अखबार में कि 10 एकड़ जमीन जो है बख्तियारपुर में सरकार दे रही, क्योंकि पटना में जमीन है नहीं, बख्तियारपुर में खेत उत होगा उसका 10 एकड़ ले लिया, खेत वाले को उतना उपज नहीं हो रहा ले लो इसी में पैसा मिल जाएगा, और 10 एकड़ जमीन मिल जाएगा तो वहां यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा।
अब उसी में कोई कहेगा कि नाम ना नहीं देंगे, बीचे वाला यूनिवर्सिटी के जो यहाँ गेट बनना है तो गेट के जमीन को कहेगा हम ना देंगे, उसका गेट ही नहीं आएगा, भीतर भी से जाएगा वो। तो लूजर जो है अगेनर, ये दो के बीच में काम होता है। तो गेनर लूजर को दे दिया, लूजर सेटिस्फाइड हो गया, रिवार्ड पाके, कंपनसेशन पार्ट के, क्षतिपूरक पाके, तो प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा और देश में कल्याण होगा, वेलफेयर वृद्धि होगी। ये हो गया कार्लोर का। हिक्स का हुआ कि लूजर विल पे ब्राइब, लूजर विल ट्राई टू ब्राइब, मैंने ब्राइब के लिए ट्राई करेगा। ये कोई सिनेमा देख रहा था अजय देवगन का, किसका था वो, उसको कहा कि घूस देते हैं, बच्चा को छोड़ दी, और ईमानदार अफसर था, उसके बेटा को एक बार पीटे हुआ था, तो बेटा कहा कि जाइए फादर, उसको कहा हम जा रहे हैं, बात करते हैं, ले दे के काम छोड़ा दे, गया तो उसको खूब पिटाई कर दिया। तो लेने और देने का जब बात हुआ तो देने गया, उल्टे चपत खा के चलाया। तो हिक्स कहते हैं कि ट्राई करेगा वो, हम ही नहीं कहते कि ब्राइब दे ये देगा, वो ट्राई करता रहेगा और बहुत समझदार होगा तो स्लो करा देगा इस काम को। स्लो कराने पर क्या होगा आपको कि काम होगा नहीं, हर चीज का काम होता है, उसमें बजट रहता है। तो जो बजट 2022 में है, चार साल के बाद वो इंप्लीमेंट कीजिएगा तो वही बजट रहेगा और बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन है, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हो सकता है सरकार ना कर पाए, कहे छोड़ दो भाई हम छोड़ दे। तो हिक्स कहते हैं कि लूजर will try to bribe gainer for not doing the project. लेकिन loser जो है gainer को bribe देने में सफल नहीं हो पाता है और gainer जो है परिवर्तन कर देता है, मतलब जमीन ले लेता है। पहला क्राइटेरियन में लूजर पेमेंट, कार्डलोर जो है वो पेमेंट किया लूजर को, जमीन ले लिया, बना दिया। दूसरे बार में है कि वो पेमेंट करने गया लेकिन उल्टे जो है लूजर जो है वही ब्राइब दे रहा है किसको, गेनर को, नॉट मेकिंग चेंज। लेकिन उसमें गेनर सफल, उसमें लूजर जो है वो ब्राइब देने में सफल नहीं हो पाता है, तब गेनर जो है निश्चित रूप से रोड जो है प्राप्त कर लेगा, जमीन प्राप्त कर लेगा और काम करेगा। असीटोवस्की कल्याण क्या है तो कहता है कार्डोर प्लस हिक्स इज इक्वल टू सीटोवस्की। कार्डोर प्लस कार्डोर क्राइटेरिया, कार्डोर कसौटी, हिक्स कसौटी, कार्डोर कसौटी प्लस हिक्स कसौटी इज इक्वल टू सीटोवस्की कसौटी। कार्डोर में गेनर जो है लूजर को पेमेंट करता है और वो सफल हो जाता है, और हिक्स में क्या है लूजर जो है वो गेनर को ब्राइब देता है नॉट टू डू, लेकिन वो असफल हो जाता है, ब्राइब लेके खड़ा रहता है, उसको ब्राइब नहीं लेता है और वो कर लेता है, जमीन को अधिग्रहण कर लेता है। पटना में अभी
अखबार में देखे होगी कि बहुत सारा जमीन जो है हाउसिंग बोर्ड का है, जिसमें कि दलाल सब उसको बेच दिया। जब सरकारी जमीन को बेचना नहीं चाहिए, खरीदने वाला खरीद भी लिया, उसमें चरतल्ला मकान बना दिया। कभी करीब 10-12 वो बुलडोजर लेके गया था उसको तोड़ने के लिए, सारा जनता मिलकर के रोड़ाबाजी किया, उसमें डीएसपी कौन था घायल हो गया, और तब तक ले सब कोर्ट में चला गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से स्टे लग गया कि अभी रोक दीजिए, अभी तोड़फाड़ मत कीजिए, हम देखेंगे कि क्या है। नहीं रुक गया, कब कानून के रास्ते से रोका, लेकिन लूजर जो है वही ना आगे बढ़ गया। अब बाद में देखा जाएगा, जस्टिस नहीं होगा, गलत तरीके से जमीन को आपने लिया, ये आपका नहीं होगा, जो लेने वाला है देने वाला सब पकड़ा रहा है। तो गेनर और लूजर दो पार्टी है। गेनर जो है वो लूजर को ब्राइब देगा, वो लूजर को पेमेंट देगा और काम को करा देगा। कार्डोर का हो गया, हिक्स का हो गया कि कोई प्रोजेक्ट आया कि यहाँ बनाना है रेलवे लाइन, यहाँ सड़क बनाना है, अस्पताल बनाना है, तो लूजर जो है जिसका जमीन छीना रहा है, लूजर जो है वो ब्राइब देना चाहेगा किसको, गेनर को, कि आप ना कीजिए। है ना जी सर। और उसमें सफल नहीं हुआ तो परिवर्तन हो जाएगा। सीटोवस्की कहते हैं कि दोनों ट्राई कर ले, थाना में कोई बड़ा आदमी पकड़ाता है, और थानेदार अगर कमजोर है, उतना कलेजा मजबूत नहीं है, तो डरा धमका के वहां से छोड़ा देता है। और उसी तरह से जो सिनेमा में देखे, सिंघम नाम का वो सिनेमा देखी हो तुम लोग, सिनेमा सुनने है सर, देखे नहीं। सिंघम देखी हो सिनेमा? नाम सुनने है फिल्म का, नहीं देखे। तो उसमें वो ब्राइव नहीं लेता है, डायरेक्ट एक्शन करता है, जो करना है वो करेंगे हम। और सीटोवस्की कहते हैं कि कार्डोर मॉडल और कार्डोर वेलफेयर क्राइटेरिया, हिक्स वेलफेयर क्राइटेरिया दोनों को ऐड कर देंगे तो होगा सीटोवस्की कल्याण कसौटी। शुरुआती जहां से हम किए कि परेटो, परेटो कहते हैं कि एक भी व्यक्ति असंतुष्ट हुआ तो उस काम को करना कल्याण में कमी कहा जाएगा। एक व्यक्ति को भी अगर दुख हुआ आपके परिवर्तन से तो वो काम वेलफेयर परेटो क्राइटेरियन उसको रिजेक्ट कर देना। बहुत दिन तक यही चलता रहा, तो इस पर हो गया कि पिछड़ा जो जगह रहेगा पिछड़े रह जाएगा, उसमें कोई ना कोई तो आइए जाएगा कि हमको नहीं पसंद है। बिहार में जो इतना रोड बना है, ये पहले उतना रोड कहाँ था? उस समय भाषण में नेता लोग कहते थे रोड किसको फायदा होगा, धनवान को, गरीब आदमी तो बिना चप्पल जूता का खाली पैर पगडंडी पर चलता है, इसलिए फालतू खर्चा है। बाद में सरकार आई, वो कही कि रोड का ही डेवलपमेंट होगा तो विकास होगा। आजकल ऐसा रोड बनाया है कि उसको हवाई जहाज उतार दिया, मैंने अब सड़क भी आपको जो है चौड़ा चौड़ा सड़क बनाया है, तो सड़क पर चलने वाले पर भी खतरा है कि पता नहीं कब हवाई जहाज उतार दे। हवाई जहाज जो है संकट काल में तो उतारेगा ही, ऊपर से देख लेगा कि वही चौड़ा वाला रोड है, उतार देगा, तो उतारेगा तो एक आध दो आदमी उसमें फंसेगा, अब बाकी आदमी तो बच जाएगा ना। वेलफेयर क्राइटेरियन है वहां कि 200 आदमी बच गया, एक दो को कुछ आएगा, अलग अलग थ्योरी है।
तो ये इसी को पारेटो कल्याण कसौटी है ना, परेटो कल्याण कसौटी अर्थव्यवस्था में जब भी कोई परिवर्तन हो तो उससे एक व्यक्ति को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। और एक व्यक्ति को भी कष्ट होने वाला है तो यह परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। इसी को पारेटो इष्टतम कल्याण कसौटी कहते हैं। अब देखिए एकदम आसान है, सारा नहीं जानने पर दिक्कत है। अब आप सब समझ गए हैं इसलिए
कुछ भी पूछेगा लिख दीजिएगा। कल्लूर कल्याण कसौटी क्या है? अर्थव्यवस्था में ए तथा बी दो अर्थव्यवस्था में ए तथा दो ए तथा बी दो व्यक्तियों का निवास है, मान्यता हुआ निवास है। अब ए का मतलब हो गया कि सरकार, अब बी का मतलब होगा जनता। समझ गए बात को? जी सर। तो जी सर समझ रहे हैं। अब ए को सड़क निर्माण के लिए सड़क निर्माण के लिए जमीन बी से चाहिए, जमीन बी से चाहिए। ए इसके लिए बी को क्षतिपूरक राशि देना चाहता है और बी उस क्षतिपूरक राशि को स्वीकार कर लेता है। और अर्थव्यवस्था में सड़क निर्माण हो जाता है तब इससे समाज के कल्याण में वृद्धि होगी। इसी को कॉरिडोर कल्याण कल्याण कसौटी
रिचा जी सर, तुम जो कल्याण पढ़ी हो ना जी सर, वो कल्याण कसौटी जो है वो वेलफेयर का नहीं है, वो ग्रोथ का है। हाँ सर, वो कालडोर वाला। हाँ, वो कालडोर का जो पढ़े हुई हो, तुमने दिमाग में था कि पढ़े हुई हो, अभी जो बताए हैं वो बात उसमें नहीं है, उसमें दूसरा चीज है। हाँ, वो दूसरा है, वो ग्रोथ का है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ का है। अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। हाँ समझी, तो तुम बोली हो हम समझ गए, हम तो टीचर है ना। जी सर, अच्छा टीचर होता है वो देखते बता देता है। जी सर, तुम्हारे साथ अभी ज्वाइन किए हुआ है मुकेश सिंह। जी सर, ये फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो कोई पैरवी नहीं चलता है गरीब आदमी का, चलेगा चलता होगा, जहां सेंट्रल मिनिस्टर होगा तो चलेगा, लेकिन ये गांव का आदमी है, उसके बाद वहां टॉप किया। तो लगन से आप कुछ भी कर सकते हैं। ऋचा चौहान और सोनी दोनों को बीपीएससी में एक बार में डिप्टी कलेक्टर या प्रोजेक्ट अफसर कुछ ना कुछ में निकालना है, और कार खरीद करके पूरा पटना घूमना है नेशनल हाईवे पर। गंगा के किनारे भी बना दिया है घूमने के लिए, एक कार पर चढ़िएगा आ जाइएगा गांधी मैदान 5 मिनट 10 मिनट। तो कालडोर कसौटी हो गया। अब देखिए रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट हमारा है हिक्स का। हिक्स कसौटी क्या है? ये कहते हैं कि ए तथा बी दो व्यक्ति है, पहले वाला में वही था, दो व्यक्ति हैं जिसमें ए गेनर है, गेनर माने फायदा करने वाला, एक गेनर है, जबकि बी लूजर है। हिक्स कहते हैं कि बी लूजर व्यक्ति ब्राइब घूस देने की प्रवृत्ति रखता है, तथा ए व्यक्ति को परिवर्तन नहीं करने के लिए परिवर्तन नहीं ए व्यक्ति को परिवर्तन नहीं करने के लिए ए व्यक्ति को परिवर्तन नहीं करने के लिए ब्राइब देने का अथक
प्रयत्न। करता है किंतु बी व्यक्ति असफल हो जाता है, असफल बी व्यक्ति असफल हो जाता है और ए व्यक्ति प्रोजेक्ट को लागू करने में सफल हो जाता है सड़क पुल अस्पताल मेट्रो मेट्रो का निर्माण हो जाता है इसी को हिक्स कल्याण कसौटी कहते हैं। लिख लिए? जी सर। जी सर। और हम तुमको बता दिए कि मालिक गए परीक्षा में 80 आ गया, तो सारी बातों को इसी बात से तुमको 80 का उत्तर होगा। सिटोवस्की डबल क्राइटेरिया, इसका क्या कहना है कि पहला जो आदमी है उसका नाम क्या है? कालडोर। कसौटी प्लस दूसरा क्या है? हिक्स। हिक्स कसौटी बराबर क्या हो जाएगा? सिटोवस्की। सिटोवस्की दो दो शर्तों वाला कल्याण कसौटी
सीटोवस्की का कहना है कि ये व्यक्ति बी व्यक्ति को क्षतिपूरक राशि देने में सफल राशि देने में सफल हो जाता है। जबकि परिवर्तन कार्य जैसे नदी पर पुल सफल हो जाता है, जबकि परिवर्तन कार्य जैसे नदी पर पुल, एक सम उदाहरण के लिए नदी पर पुल बनाना, कार्य जैसे बड़ी पुराना को रोकने के लिए भी व्यक्ति ए व्यक्ति को ब्राइब वर्ड अंग्रेजी में लिखा हुआ है, वहां ब्राइब देने में असफल हो जाता है। इसी को दोहरी कसौटी की संतुष्टि, दोहरी कसौटी की संतुष्टि सीटोवस्की परीक्षा। जी सर। इसको तुमको आज रात में उतारना है कागज पर, ठीक है? जी सर। और याद करना है। जी सर। हम कल क्लास में तुमसे बुलवावेंगे। ठीक है सर। समझे सोनी? जी सर। हाँ, तुम्हारा इंटरनेट बड़ा कमजोर है, तुम बोल रहे हो जी सर निकल रहा है नो सर। जी सर। समझे मुकेश? यस सर। इसको रट लेना है एकदम, बच्चा की प्रॉब्लम है सर, बारिश हुई है इसके बच्चा की तरह प्रॉब्लम चल रहा है सर। और फास्टली बोलना है, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, बोल दीजिएगा आप। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप बोलिएगा पूरा भारतवर्ष इसको देखेगा। मेरा यूट्यूब पर लगभग 6,000 आदमी हो गया है अब,
और वो भारत में तो है ये है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कनाडा और कई जगहों पर, विदेश में भी जहां इंडियन है वो देखता है हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। तो 5 मिनट लगेगा, रात भर रटो, पहले उतार लो और तब उसके बाद हम फिर डायग्राम ऐड करेंगे। जब देख लेंगे कि याद हो गया तो डायग्राम ऐड करेंगे। परेटो से शुरू इसलिए कि वहीं से शुरू होता है कल्याण कसौटी, कि एक भी व्यक्ति कह दे कि ना पुल ना बनना चाहिए। और तुम सुनी होगी कि ओबीसी सबका जो रिजर्वेशन आया था मंडल कमीशन, तो दिल्ली में एक लड़का पूरा देह पर पेट्रोल छिड़क लिया और कहा कि हम आत्मदाह करेंगे, पूरा हजारों लड़का से घेरे हुआ है। आप पुलिस भी समझ रही कैसे ही नाटक कर रहा है, अब पट से जो है लाइटर जलाया, जल के राख हो गया। तो मंडल कमीशन का वो देखो कि वो लड़का जल गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू का था विरोध में, तो एक व्यक्ति उठाओ, विरोध करने वाला एक व्यक्ति भी अगर होगा तो परेटो कहते हैं उस प्रोजेक्ट को मत कीजिए, तब तो कोई प्रोजेक्ट होगा ही नहीं। तो फिर हो जाएगा वो जो फार्मर्स एज था, भेड़िया एज था, जहां की लोग अपना खाता था पीता था और वैसे जगह रहता था जहाँ के अनाज उनाज उपजा के खाए, कोई सरकार नहीं थी, कोई गवर्नमेंट नहीं था, घर में कोई ताला लगाता नहीं था, पेड़े पर सो जाता था। तो वो जमाना था, अब वो जमाना नहीं है। सानी सिग्नापुरे का नाम सुनी हो? जी सर सुने। क्या है वहां का कहानी? वहाँ महिला लोग को जाने नहीं दिया जाता सनी सिग्नापुर। सानी सिग्नापुर में महिला लोग को जाने दिया जाता तो भी क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया कि वहाँ किसी भी मकान में दरवाजा नहीं है। तो ये बात हमको कहा तो हम कहा चलो जी कार ठीक की है, उसे गए वहां देखने के लिए। देखिए ठीक में मकान सब का है, लेकिन हम लोग का मकान का अंत होता है वो दरवाजा, जो बंद कर दिए तो भीतर सब बंद है, किसी में दरवाजा नहीं है। और कहावत है कि वहां कोई चोर नहीं है, एकादो कोई चोर का चोरी का कोशिश किया तो वही अंधा हो गया या कुछ हो गया, ये इस तरह भ्रम है या सत्य है। और औरत को वहां जाने नहीं देता है। ये बात जो है 25 साल पहले जब गए तो वहां ये चीज हमको बताया। उसके बाद एक ये भी दिया, वहां का प्रसाद उसाद होता है। जब गए वहां तब कहा कि औरत नहीं जाएगी या मर्द केवल जाएगा, हमको कहा कि आप कपड़ा खोलिए नहाइए। अब हम कहे कि कपड़ा हमको दे दीजिए, और सारा रुपया गोल करके कमर में जो फुल पैंट में भीतर का पॉकेट होता है उसी में रखे हुए थे। हम कहे कि इसको दे के जाएंगे, हम मान लीजिए कहीं निकाल लिया तो फिर तो हमको यहाँ मुश्किलें हो जाएगा। और वो बोलता क्या सोच रहे हो बच्चा? अब हम कहे कि हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, शांत रहिए, अभी सोच रहे हैं कि नहाए कि नहीं नहाए, ठंडा मर देगा क्या हो, आए का है तुम। तो हम फुल पैंट उतार के वाइफ के हाथ में दे दिए, ये अपने हाथ में रखे रहो, यही पासपोर्ट है लौटने का। और उसके बाद नहा, वो नल बनाया हुआ था उसी में नहाए, नहाए करके वस्त्र दिया पहने, उसका चार्ज लेता है दिन। और गए जा करके सानी सिग्नापुर में तेल जो दिया और वो डाले उसके, सब तेल उल डाल दिए, लौट करके आए तो कहा कि इधर ताकना भी नहीं है, उतरे तो उधरे से उधरे निकल जाना है आपको, हम कपड़ा पहनेंगे तब ना। तो हम कहा तब पीट करके अपना कपड़ा पहन लिए और उसका चले आए। तो जाते समय हमको कुछ दिया सामान, कहा कि इसको जो है आप अपने यहाँ पूजा घर में टांग दीजिएगा। तो हम उस कहे कि इससे क्या होगा,
इससे होगा कि कोई आपके यहाँ झूठ कोई बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। अब लाए उसको टांग दिए, अब टांगने का नतीजा क्या हुआ कि रिलेशन में ही आदमी था कोई, वो हर बार झूठ बोल बोल के कुछ काम करता तो पकड़ा लिया। हम कहे कि देखो भाई सानी सिग्नापुर का ही लटका हुआ है, जब तक वो था, अभी आजकल नहीं देख रहे हैं कि है नहीं, पूजा घर में लटका हुआ था। तो उसके बाद जो है ये 25 साल पहले की बात कहे, इधर 2-3-4 साल पहले फिर गए वहां तो एकदम मॉडर्न हो गया, उस सारा जो ट्रेडिशनल था खत्म हो गया। और जल जो है हम लोग चढ़ के उनके सिर पर डाले थे शनि भगवान का, तो अब जल जो है दूर पर आप डालिए और वहां पर पाइप के द्वारा उनके सिर पर चला जाएगा, आज हो जाएगा तेल करुआ तेल की क्या रहता है डालना, आप वहां जा नहीं सकते क्योंकि इतना आदमी आ रहा है कि उसे घुसेगा निकलेगा उसे बहुत झंझट रहेगा। वो तो बाहर जो है चक्कर से चल रहा है, उसे अपना तेल डालिए, आपका तेल जाके चढ़ गया। औरत का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो अंदर जाना चाहे आए जाए, अब सब आदमी को सब अलाउड है। ये मॉडर्न हो गया, तो मॉडर्न हो गया तो पहले हम गए थे तो एकदम देहाती टाइप का सब था, अब जो है विशालकाय टेम्पल हो गया, ये हो गया वो हो गया, पैसा वैसा जो देना था वहां दे दिए, नाम सरस्वती कटवा लिए। तो कहने का अर्थ होता है कि कल्याण कसौटी कहता है सीटोबस की कि दोनों को टेस्ट कर लीजिए ना, घूस देने वाला भी आता है तो उसे जाके बतियाने दीजिए, अगर सफल हो गया तो प्रोजेक्ट नहीं होगा। और वो जो कार्डोर वाला है वो अच्छा काम करने के लिए पैसा देना चाहता है तो उसको देने दीजिए, अगर उसके बाद से मान गया सब तो ठीक है, दोनों टेस्ट कीजिएगा तो डबल क्राइटेरिया हुआ, तब जो पुल निर्माण होगा या सड़क बनेगा या नहर बनेगा या यूनिवर्सिटी खुलेगा या अस्पताल खुलेगा। पटना में एम्स खुला है और हमारे यहाँ के एक व्यक्ति गए हुए थे वहां देखने के लिए, बता रहे थे कि दिल्ली के एम्स के तरह ही उतना विशालकाय भवन का निर्माण हुआ है। पटना में एक पीएमसीएच पुराना हॉस्पिटल है, पुराना जमाना का है, उसका आधुनिकीकरण हो रहा है और विशालकाय बनाने जा रहा है, अगर बन गया तो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ज्ञान भवन बनाया है, गांधी जी का भवन है, क्या है, हम एक बार भी नहीं गए, कई बार कार्ड उड़ाया लेकिन नहीं गए, बाहर से ही देखते हैं। प्रवेश द्वार बना है लेकिन बिहार जो है लास्ट लास्ट नंबर पर है डेवलपमेंट में, पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया। तो सोचिए कि सब बना आप दिए लेकिन आपके इकोनॉमी में डेवलपमेंट सही माने में नहीं हुआ। सही माने में डेवलपमेंट कब होगा, जब रूरल एरिया में डेवलपमेंट हो जाए। अरबों खरबों आप लगा दिए पटने में ही, आप देखिएगा कि हमारे एरिया में नहीं सड़क उड़क बना रहा है, कि हमारा एरिया जो है बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत आदमी है, लेकिन पूरब पश्चिम तो कहीं भी हम गए हैं, पोलैंड में भी गए तो पूर्वी पोलैंड जो है वो एकदम पुराना है और पश्चिमी जो है पोलैंड मॉडर्न है, सब चीज है। तो इसी पटना में आओगे तो पूर्वी पटना पुराना है और पश्चिमी पटना जो है सो डेवलप्ड है। इस सब होने के बावजूद भी पटना का प्रति व्यक्ति आए बेंगलोर से ज्यादा है, हैदराबाद से ज्यादा है, कोलकाता से ज्यादा है, पटना का। कहीं कोई पूछ दे तो लोग छठ से बोल देगा बेंगलोर, कोई हैदराबाद बोल देगा, लेकिन आंकड़ा देखिए सरकार का कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो पटना का हाईएस्ट है इन कंपैरिजन टू बेंगलोर, कोलकाता एंड हैदराबाद। लेकिन ये जो डेवलपमेंट का पैसा है या डेवलपमेंट का मॉडल है
इसमें गांव वाला और में डेवलपमेंट जो है उतना फास्टली नहीं हो पाया, और गांव में बहुत तरह का जो कृषक बनाता था, अब हम लोग जब बच्चे थे तो गेहूं ले जाके पिसवाते थे तब आटा निकलता था। तुम लोग तो ये शायद नहीं देखी होगी, तुम लोग आशीर्वाद आटा डायरेक्ट पैकिंग आता आटा का आता है वही लोग खरीदता है। ऋचा तुम देखी थी कि गेहूं पिसा के आटा आया? नहीं सर, सर यहाँ मिलता है तो है? इधर मिलता है पटना में, क्या चीज पिसा हुआ गेहूं का आटा? पिसा हुआ नहीं, पिसवाने कोई जाता है गेहूं लेके? नहीं पिसवाने नहीं जाता। हाँ तो अपने घर में मम्मी से पूछना, आटा खरीद के आता है सर। हाँ तो आटा नहीं खरीदता था लोग, गेहूं खरीदता था। सर मैं देखी हूँ सर, है मैं देखी हूँ सर गेहूं पिसवाने। हाँ तो देखो ये सोनी जो है डिप्टी कलेक्टर बनिए के रहेगी, ये देखी है और तुम आटा देखी। आजकल का आदमी आटा देखता है, आटा ही पैकिंग में आता है। गेहूं खरीद के घर में लोग लाता था, धोता था, सुखाता था, फिर ले जाके उसको आटा चक्की जो है वहां बिजली पर चलता था, वहां पिसा के लाता था, तो मिलावट एकदम नहीं था। और अभी जो आपका आटा आता है वो बहुत तरह का सब्स्टिट्यूट गुड्स उसमें मिला हुआ रहता है। अब तो और आ गया है ब्लैक आटा, ब्लैक रंग का रोटी बनता है। अब उसका असर क्या होगा भविष्य बताएगा, लेकिन वो कह रहा है कि बहुत ही पौष्टिक। काला चावल आया है सर, काला गेहूं तो भी नहीं आया है, काला चावल के बारे में छुट्टी हुआ है। हाँ तो यही सब इनोवेशन हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, तो इसको याद करके आना है। जी सर। पहले उतार लोगी, उतारोगी उसको याद करोगी, याद हो जाएगा तो अपने आईना के सामने बोलोगी, ये होमवर्क करा गया। That's all. जी सर। प्रणाम सर। समझ में आ गया ना? मुकेश? या सर। जी सर। सब मॉडल समझ गए ना? जी सर समझ गए। हाँ। ठीक है सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहो।